एचआईवी रिलेटेड क्वारीज के अंतर्गत एक क्वेश्चन आपका है कि अगर कोई व्यक्ति अपना एचआईवी टेस्ट कराने जाता है तो क्या कोई ऐसा टेस्ट है जिससे ये पता चले कि अगर वो भविष्य में पॉजिटिव होता है, पाया जाता है, तो वो किस तरीके से पॉजिटिव हुआ। यानी क्या वो संक्रमित खून चढ़ाने से पॉजिटिव हुआ, या फिर वो संक्रमित सुई लगाने से पॉजिटिव हुआ, या फिर वो किसी दूसरे मोड से पॉजिटिव हुआ, क्या इसका पता किसी टेस्ट से चल सकता है। तो ये क्वेश्चन लोगों में है, इसीलिए कुछ लोगों ने इसको मेंशन किया है कमेंट बॉक्स में कि इसके बारे में कुछ बताइए। तो मैं बहुत क्लियर बता दूं यहाँ पर आपको, जहाँ पर एचआईवी पॉजिटिव टेस्ट की बात है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में फ्री ऑफ कॉस्ट है और जो आईसीटीसी में होता है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट सेटअप के अंतर्गत है, तो उसकी जो गाइडलाइन है और उसके अंतर्गत जो जानकारी आपको दी जाती है, जो बिल्कुल करेक्ट जानकारी है, वो ये है कि उस टेस्ट के थ्रू कोई भी ये नहीं बता सकता कि आप किस तरीके से पॉजिटिव हुए हैं। सिर्फ टेस्ट ये बताता है कि आप नेगेटिव हैं या आप पॉजिटिव हैं, यानी आपको एचआईवी है या नहीं है। लेकिन टेस्ट से ये नहीं डिक्लेयर किया जा सकता कि आप कहाँ से पॉजिटिव हुए या फिर किस मोड से पॉजिटिव हुए। बहुत सारे मोड होते हैं पॉजिटिव होने के, जहाँ पर हम प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं। बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, जैसे अभी निडल की बात हुई तो क्या निडल प्रिक हुई, या फिर ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड आपके लगा है किसी का, या फिर कोई और मोड है। तो इन सारे मोडों को किसी का कोई आप किसी टेस्ट से नहीं पता कर सकते। टेस्ट सिर्फ ये डिक्लेयर करता है कि आपके अंदर संक्रमण है या नहीं, सिर्फ इतना टेस्ट से पता चलता है। और उसके बाद आपको अपना केयर करनी है, अपना ध्यान रखना है, और काउंसलर जो वहाँ पर है आईसीटीसी में, उनसे आपको सलाह लेनी है। तो अगर किसी को ये नहीं पता है कि ये टेस्ट कहाँ होते हैं, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको हम बता दें कि ये हर जिला अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये हर जिला स्तर पर आईसीटीसी के अंतर्गत ये टेस्ट किए जाते हैं। आईसीटीसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। तो ये हर जगह अवेलेबल है, आप कहीं पर भी जिला अस्पताल में जाकर एक सिंपली पर्चा बनवाइए। अगर आपको अपने ब्लड की जाँच करानी है, या फिर ये स्टेटस जानना है आपको अपना कि एच आई वी का हमारा स्टेटस क्या है, तो आप सिंपली पर्चा बनवा के सीधे आईसीटीसी में पहुंचेंगे। आईसीटीसी यानी इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, ये हर अस्पताल में बने हुए हैं। इवन अब ये हर ब्लॉक स्तर पर भी अवेलेबल है। तो अगर आप भारत में कहीं भी रहते हो, आप अपने नज़दीक के किसी भी तालुका या फिर ब्लॉक स्तर के जो अस्पताल होते हैं, जिन्हें सीएससी कहते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य के नाम, वहाँ जा सकते हैं और वहाँ के आईसीटीसी में भी जांच करा सकते हैं। अगर वो छोटी सीएससी है, हो सकता है वहाँ पर ये फैसिलिटी उपलब्ध ना हो, तो दूसरे जो आपके नज़दीक अवेलेबल है सीएससी, उस पर ये फैसिलिटी आपको मिल सकती है। वेल, जहाँ तक मुझे पता है, अभी प्रेजेंट टाइम में ये हर ब्लॉक स्तर पर ये अवेलेबल है। मोस्टली जितने भी ब्लॉक स्तर हैं, उन पर ये अवेलेबल है। फिर भी बाई चांस अगर किसी पर नहीं है, तो आप अपने नज़दीक के जो दूसरा ब्लॉक स्तर है, उस पर जाके संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो जिला स्तर पर तो ये अवेलेबल है ही है। ये मेडिकल कॉलेजेस में भी अवेलेबल है, तो आप कहीं पर भी इस टेस्ट को आराम से करा सकते हैं और अपना स्टेटस जान सकते हैं। तो अगर आपका ये सवाल है इससे रिलेटेड कि एचआईवी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहा, अगर वो व्यक्ति पॉजिटिव है तो क्या कोई ऐसा टेस्ट है जैसे ये पता चल जाए, तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। तो सिर्फ टेस्ट इसलिए है कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं, तो जिससे कि आप अपनी खुद केयर कर पाए। नहीं है तो फिर आप ना पॉजिटिव हो, इसके लिए अपना बचाव करें, और पॉजिटिव हैं तो फिर अपने कैसे केयर करनी है, इसके लिए आप अपनी तैयारी करें और काउंसलर से वहाँ पर बात करें, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और सवाल है, देन यू कैन राइट मी इन कमेंट ऑप्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूँगा कि अगर जब आप ये वीडियो देखते हैं, तो उसके फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें, तो उससे हमें एक डायरेक्शन भी मिलती है, पता चलता है कि हमारी ऑडियंस हमारी वीडियोज़ को देख कर क्या रिएक्ट कर रही है। दूसरा ये है कि इसके लिए दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमें बताने के लिए, दूसरा ये कमेंट कर सकते हैं आप हमें बताने के लिए, या फिर आप अगर रेगुलर व्यूअर हैं तो आप इस, या फिर पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।